नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह नेगी। आइडिया फोर न्यूज पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं गाजियाबाद से निकला हूं और इस समय जो हूं मैं गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है और ये हरिद्वार मुजफ्फरनगर देहरादून को जोड़ने वाला हाईवे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने गाड़ी लेते समय पूरा टैक्स भरवा लिया है, इसका मतलब साफ है कि आपकी गाड़ी का कोई भी टैक्स आपको आगे पे नहीं करना है, क्योंकि ये रोड टैक्स है। रोड टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने जब रोड पर चलनी है, गाड़ी ड्राइव करनी है, तो आपका जो रोड टैक्स है वो फुल एंड फाइनल पे हो चुका है। लेकिन राज्य सरकारों की जो कहते हैं दोहरी नीति, ये दोहरी नीति जो है आम आदमी के लिए भारी पड़ती है। मतलब साफ है कि जब आपने गाड़ी लेते वक्त गाड़ी का पूरा टैक्स भरवा लिया है, तो ये एक्सप्रेस वे यानी कि जो टोल प्लाजा है, लगातार आपको आने और जाने में टोल देना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां और आम आदमी की जो जेब है वो कटती है। और लगातार इस पर कोई भी आदमी संज्ञान नहीं लेता। इसका मतलब साफ है कि सरकार मनमानी कर रही है और आम आदमी की जो जेब है लगातार एक्सप्रेस वे पे कट रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकारों की ये दोहरी नीति डेवलपमेंट के नाम पर है, जबकि सारा टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी हैं गाड़ियाँ। गाड़ी बाहर निकालते समय पूरा टैक्स पे कर दिया जाता है, उसके बावजूद टैक्स का क्या लेना देना है, क्यों टैक्स लिया जाता है, इस पर अभी कोई भी बोलने को राजी नहीं है और ना ही समझने को राजी है। एक्सप्रेस वे है या कोई भी डेवलपमेंट सड़कें हैं या दूर तक जो जाने वाली सड़कें हैं, उन पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्स आपको लगातार पे करना पड़ रहा है वो बड़ा भारी पड़ता है। कम से कम एक साइड का 170 रुपए एक जगह का, और यहाँ से देर गाजियाबाद या दिल्ली से कम से कम 4 टोल प्लाजा जहाँ पर मनमानी करते नजर आते हैं। आप मान सकते हैं कि जाते समय 500 से 600 रुपए और आते समय 500 से 600 रुपए, यानी कि आपकी गाड़ी को अगर एक दिन में, अगर महीने में 15 दिन निकलती है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो है 7,500-8,000 रुपए महीने का इसका लिया जाता है और टैक्स के नाम पर वसूला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ठेका दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर, ये अपने आप में दोहरी नीति का चरित्र नजर आता है। नमस्कार।